स्वागत है आपका भारत देश के सबसे बड़े धार्मिक चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। 6 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और 14 अप्रैल तक रहेगी। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन दिनों में जो भी पूजा, साधना, टोने, टोटके या उपाय किए जाते हैं, उनका असर 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। आज हम आपको कपूर से किए जाने वाला आसान लेकिन शक्तिशाली उपाय बताएंगे, जो कि एकदम सटीक काम करता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कपूर की लौ स्वयं भोलेनाथ का प्रतीक है। यह न सिर्फ एक उपाय है, बल्कि माँ की कृपा और ब्रह्मांड में व्याप्त उस परम शक्ति को अपने जीवन में आकर्षित करने का तरीका है, जिसे बहुत से लोगों ने किया है और आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले हैं। बहुत से चैनल बहुत से टोटके और उपाय बताते हैं, लेकिन वो ही उपाय काम का होता है जो असल जिंदगी में जल्दी परिणाम दिखाए। अगर आप हमारे बताए अनुसार चले तो निश्चित समय में परिवर्तन दिखेगा। यह उपाय माँ दुर्गा की संतान बनने का और उनकी कृपा हर काम में पाने का सफल तरीका है। नए दर्शक चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी भी दबाएं। सवाल कमेंट में लिखें, जवाब दिया जाएगा। और हाँ, नवरात्रि के इस वीडियो को 5,00,000 लाइक हर हाल में करना है। जो भी देखें लाइक जरूर करें। 6 अप्रैल नवरात्रि के पहले दिन रात्रि 10 बजे के बाद यह उपाय करना है। सोने से ठीक पहले हाथ मुंह धोकर और कुल्ला करके या नहा भी सकते हैं। साफ कपड़े पहने, लाल कपड़े या केसरिया ओढ़नी ओढ़ सकते हैं। बैठने के लिए लाल आसन का इस्तेमाल करें और मूंगा माला या रुद्राक्ष माला साथ में रखें। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति के सामने दिए में कुछ टुकड़े कपूर के डाल दें और आदि शक्ति माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, नवरात्रि के प्रथम दिन मैं आपका अपने घर में स्वागत करता हूँ। हे माँ, मेरे घर में पधारो। और जिस प्रकार यह कपूर जलकर गायब हो जाएगा और राख तक नहीं बचेगी, उसी प्रकार मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सभी प्रकार के दुख, परेशानियां, कष्ट, धन की कमी, सभी बुरी ताकतें हमेशा के लिए गायब हो जाएं। हे माँ, मुझे आप अपनी संतान के रूप में स्वीकार करें और मुझे हर मोड़ पर मार्गदर्शन करें। हे माँ, आपकी स्तुति में मैं दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करूंगा और नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप भी करूंगा। ऐसी प्रार्थना करने के बाद कपूर को जला दें और दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ, नवार्ण मंत्र या कोई अन्य दुर्गा माता की स्तुति का पाठ जरूर करें। माँ दुर्गा के सप्तश्लोकी पाठ और शक्तिशाली नवार्ण मंत्र का हिंदी में मतलब का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उन दोनों वीडियो को देखें और नवरात्रि में माँ दुर्गा के सप्तश्लोकी पाठ और नवार्ण मंत्र का जाप जरूर करें। इतना करने के बाद आंखें बंद करके आपको यही सोचना है कि माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं और उन्होंने आपको अपनी संतान मान लिया है। आंखें बंद करके माँ दुर्गा की छवि आंखों में रखकर आपको अपने मन में यह बोलना है, मैं माँ दुर्गा की संतान हूँ और माँ मेरे सभी काम पूरे करती हैं। मुझे जिस भी चीज की जरूरत होती है, मेरी माँ मुझे सब देती है। मैं और मेरा परिवार माँ दुर्गा के आंचल में सुरक्षित हैं और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश और संपन्न है। अब यह काम नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक करना है। बस ये याद रहे कि रात में 10 बजे के बाद सोने से पहले पूरे 9 दिन ये करें। 9 दिनों के बाद अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जरूर करें। रोज रात का यह रूटीन बना लें। जिस दिन आप घर पर ना हो और कपूर नहीं जला पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मन ही मन दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ या कोई भी दुर्गा मंत्र का जाप जरूर करें। जो मन में सोचने को बताया गया है जरूर सोचें। कपूर को सुबह और शाम की पूजा के समय जलाकर आरती जरूर करें। कपूर को घर के अलग अलग जगहों पर जरूर ले जाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर से भाग जाएगी। बाथरूम, किचन, बेडरूम सभी जगह पर जलाएं। यह न सिर्फ एक उपाय है, बल्कि माँ की कृपा और ब्रह्मांड में व्याप्त उस परम शक्ति को अपने जीवन में आकर्षित करने का तरीका है, जिसे बहुत से लोगों ने किया है और आश्चर्यजनक चमत्कारी परिणाम देखने को मिले हैं। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी कोई भी आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें और माता का जयकारा लगाना ना भूलें। और हमारे ऐसे ही अद्भुत वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। जय माता दी, जय जगदम्बे माँ।